जंगल में रहता हूँ गांव में भिक्षा मांगने नहीं जाता हूँ जो कुछ मिल जाए रूखी सूखी नौंदे अब प्रभु ही उन्हीं की कृपा से आप आए हो और अपनी कृपा से नहीं प्रभु कृपा से आपने मुझे दर्शन दिए मैं इंसान को ही प्रभु समझता हूँ जो मेरे काम आ जाए हम तो नहीं।, नहीं, नहीं दास तो मैं हूँ यही आपके संग जाएगा धन दौलत गाड़ी कुछ नहीं जाएगी तुम्हारे संग जा तो बताओ मुझे प्रसाद प्रसाद देने हमें आजा तुन्या आजा इधर आजा ओ भाई क्या नाम है लाना गोलू वाह गोलू तेरा क्या नाम है मोलू थैंक यू धन्यवाद इधर आ आ कतली दे रहा हूँ फिर इतना मिला तो गुट -गुट के रखा है। है प्यार इस राधे 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 बोलो आप सभी। इनको बोलो तुम सबन को मिल गो ना तुम सबको मिल गए ना सबन को सबन को सबन को सबन को <laughs> ये बोलो हर अमृत की बात अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा ओके राधे 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 नमस्कार दोस्तों आपका दोस्त आपका भाई आपका साथी संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं अभी धर्म की यात्रा ब्रज में करवा रहा हूं संतों के दर्शन क्योंकि ब्रज में यहां अभी मौसम हिमालय में खराब होने की वजह से मैं ब्रज आया हुआ था तो ब्रज के संतों के दर्शन करा रहा हूँ और आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ ये बिहेड़ एकदम पूरा खेतों के बीच में छोटी सा जंगल है ये कुटिया बना के रहते हैं जैसे कि आप कहीं पर पहले तो यहाँ पर महाराजी कच्ची कुटिया थी अभी महाराजी की थोड़ी सी अच्छी कुटिया बन चुकी है और महाराज जी यहाँ पर जैसे आप देखो महादेव और माता जी के चामुंडा माता जी का दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर किस प्रकार महाराज जी रहते हैं वो भी दर्शन करूँगा महाराजी की कुटिया के और महाराज जी से सत्संग लेने की भी कोशिश रहेगी और मैं इस, इस स्थान के बारे में अगर कोई पूछना चाहता है मैं बता देता हूँ इस, इस स्थान का गाँव का क्या नाम है रामश्रीपुर के पास रामश्रीपुर गाँव है वहाँ पर महाराज महाराजी रहते हैं और किसी को भी पूछोगे इस स्थान के बारे में तो बता देंगे महाराज जी के नाम से ही साथियों जैसे कि माता जी चामुंडा माता के चामुंडा माता चामुंडा माता का दर्शन हो रहे हैं और सबको पता है तक मेरे इष्ट माता कुलदेवी चामुंडा माई है और चामुंडा माँ के आज दर्शन हुए और मैं अब मैं आपको यहाँ पर जैसे महाराज जी ने पूरा आपका मैं आपके दर्शन करके ऐसा प्रसन्न हुआ नहीं नहीं मैंने आपके दर्शन करके मेरा शरीर का पुलकत पुलकत हो गया बस मैं भी आज ऐसा लगा कब से आपके दर्शन के इंतजार में था और महाराज जी की सेवा का मौका मिले आज सेवा का मौका दर्शन समय से पहले कुछ नहीं होता और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं जी जी और इसीलिए मैंने कहा महाराज जी के पास जाएंगे कम से कम हमारे भक्तों को एक सत्संग मिल जाएगी और आपके दर्शन हो जाएंगे सबका आशीर्वाद दर्शन आपने की मुझे दिए आपने मैंने नहीं नहीं कोई इससे क्या संत समागम होता रहता है और जो सत्य के संग चले यही समय जीवन जिया बाकी तो सारा व्यर्थ है जब सत्य के ससंग या संतों के सानिध्य में है है वही जीवन बाकी तो सब है प्रयु ने रखा ही क्या है जी महाराज जी चौरान्वय चौरान्वय चीज हम तुम लोगों को सबको बांट देंगे उन्हें चीज रखी कौन कौन सी महाराज जी जीवन मरण हान और ना अच्छा यशो रप्यास हां वो छह चीज के राजा है 94 से ये जनता है अच्छा उनके हाथ में जनता के हाथ में जो जीवन है ना न मरण है ये से है ना अप्यास है है कि तो प्रभु के हाथ में छह चीजें हैं साथियों जैसे कि कोशिश करता हूँ जी मैं कुटिया के दर्शन करवा देता आपकी, आपकी हूँ संतों की जैसे की आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी लाइट भी यहाँ पर सोलर लाइट है महाराज लाइट नहीं है क्या लाइट नहीं है गुरु जी वो है लाइट है महाराज जी यहाँ लाइट भी नहीं है सोलर लाइट सही महाराज जी यहाँ जैसे कि महाराज जी का घिया यहाँ पर जैसे महाराज जी ने काट रखा है दाल और घिया ये शाम के भोजन की तैयारी या सुबह की ठाकुर जी के प्रसाद की तैयारी होती है जैसे अपने महाराजी ने अपनी तैयारी कर रहे हैं और पानी की मटकी जैसे आप देख पा रहे हो ये महाराज जी का फ्रीज या पानी की मटकी जैसे आप देख पा रहे हैं ये समस्त भक्तों की तरफ से आपको जन्म करना महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है सेवादास सेवादास और गुरुस्थान महाराज जी गुरुस्थान मेरा जावल जी है जावरी और यहाँ ब्रिज में कितने समय से आप? जहाँ यहाँ मुझे चौदह साल हो गई उससे पहले कहाँ पर रहते थे जहाँ से पहले रहे जन्मभूमि के पीछे वो है मल्लपुरा मल्लपुरा अच्छा और बचपन से संत गृहस्थ का पालन करके आए गृहस्थी का, का पालन तो महाराजी से संत बनना इतना कठिन होगा ऐसा क्या भाव है कि आपको संत बनने की सोची क्या भाव है संत? मैंने बचपन से बचपन से मैंने छोटे से माँ बाप मरे मेरे अच्छा तीन साल की बाप छोड़ के मर गए और छः साल की माँ छोड़ के मरी मैंने तुम लोगों की मजदूरी कर कर के अपना जीवन काटा गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि ब्याह शादी बाल बच्चे सब हो गए अपने अपने मतलब लेकर मन पे मैंने कि प्रभु के बार भजन करना और दर्शन करना ही मेरा फर्ज है अच्छा। इस वजह से इस वजह से क्या कोई ऐसी घटना घटी बच्चों में या ऐसा कोई बात तो नहीं हुई नहीं, नहीं नहीं बच्चों ने कुछ मना नहीं किया मना करें भाई तुम अपने पैरों पर खड़े हो जो मैं चाह रहा मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे पास नहीं है, मैं चाहता हूं वो पास नहीं है। जी क्या चाहते हैं विशेष मैं प्रभु का भजन करना चाहता हूँ पांच माला चार माला गुरु के नाम अच्छा वो घर में नहीं होती घर में नहीं घर में यो नहीं होती बच्चे खेलने और तुम्हारी लीन बाप माँ झगड़ा बच्चों में हो जाए बच्चे छोटे छोटे में तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा काम नहीं करेगा सही बात है गलत है सही बात है तो जिस वजह से जंगल में रहता हूँ गांव में भिक्षा मांगने नहीं जाता हूँ जो कुछ मिल जाए रूखी सूखी नौते दारू हम पीते नहीं हैं बीड़ी पीते नहीं हैं गजा पीते नहीं हैं केवल एक तमकू खाते हैं अच्छा एक ही है अच्छा अच्छा नून से मिल जाए नून की खा लें सब्जी से मिल रहा सब्जी खा लें जैसे बन जाए प्रभु कह दें गुरु महाराज दे दें वैसे नहीं अच्छा तो आपका अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद क्या आपको वो प्राप्ति लगी आनंद आया हाँ आनंद आया क्योंकि न तो कोई खेके न किसी से झंझट ने झगड़ा अपना माला जपनी अच्छा कभी आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी ऐसे कोई लीला हुई आपके ऐसी प्रभु के दर्शन तो होते ही रहते है कैसे रूप में? अब प्रभु ही हैं। उन्हीं की कृपा से आप आए हो और अपनी कृपा से नहीं प्रभु कृपा से आपने मुझे दर्शन दिए मैं इंसान को ही प्रभु समझता हूँ जो मेरे काम आ जाए जी, हम तो 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 दास 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 हैं बस नहीं नहीं दास तो मैं हूं। दास तो प्रभु मैं प्रभु जाने कहाँ से कैसे मुझे दर्शन दिए प्रभु ने आपको भेजे तो मैं प्रभु ही मानता हूँ गलत कह रहा हूँ नहीं सत्य हर प्राणी में ईश्वर है सत्य है हर प्राणी में ईश्वर है ईश्वर देखा नहीं है किसी ने कर्म है उसके प्रभु के कर्म है और महाराज जैसी कोई चमत्कारी घटना घटी आपके साथ लीला हुई जैसे कोई ऐसा आस्था और बढ़ गई हाँ और ऐसा होता है कभी कहीं कभी कभी देखो लीन प्रभु के में ही आस्था बढ़ती है और कहीं में नहीं धन दौलत सब नहीं रह जाएंगे आपका ये लायो निमित मैं तो मैं तो निमित मातरू करने वाले ठाकुर जी है <laughs> एक बात कही आप जैसे लायो आपका ये बोहेक हाँ फलाने आदमी मेरे लिए यही आपके संग जाएगा धन दौलत गाड़ी कुछ नहीं जाएगी तुम्हारे संग तो बता मुझे ये माला जिस समय हमारा शरीर छोड़ेंगे इस माला को भी तोड़ लेंगे तोड़ लेंगे नहीं छोड़ेंगे अंतिम संस्कार समय इसको भी तोड़ तोड़ लेंगे बताओ तो क्या ले बुढ़ाई और भलाई के सब कुछ नहीं मिलागा तुमको मिलेगा इतना ही जानता हूँ गुरु कृपा से और मेरे पास अच्छा जी कोई ऐसी चीज़ की आपको यहाँ कमी आवश्यकता है जिसकी यहाँ परेशानी हो रही हो ऐसी कोई मैं गुरु के बंधन में हूँ भूखा बैठा रहूँगा मैं रात से यह नहीं कहूँगा मुझे दो रोटी तो महाराज जी पानी आता है क्या पहले तो ये पूछता हूँ पानी टैंक बनवा रखो है हाँ। उसे भरवाते हैं हजार में नौ सौ में उसे भरवाते हैं सारे पीते हैं अच्छा पानी बोरिंग नहीं है ना बोरिंग नहीं खारा खारे पानी खारा पानी है महाराज जी बोरिंग ये बोरिंग कराया वो खारा टैंक बनवाया फिर तो टैंक वाले आते हैं और भर जाते हैं और राशन अभी है या हाँ, सब कुछ गैस पे।, पे बनाते हो नहीं नहीं चूल्हे पे चूल्हे पे बनाते अच्छा तो महाराज जी जैसे बहुत सारे आपके पास गाँव भी आते हो भी आते हो आप उनको भगवत प्राप्ति के ठाकुर जी की प्राप्ति के क्या मार्ग बताते हो क्या कहते हो सत्य में सत्य है किसी का माल मत मारो अपने सच्चे मार्ग पर चलो बीस और नौने की कमाई से ही पार आई पैसे पार नहीं पड़ेगी है। मैं आपको माल मारू तो मैं बहुत ही बुरा पड़ूंगो आपको माल मार लिया तो मैंने बच्चों को पेट काट के नहीं आ को पेट काट के मुझे दिया उन बच्चों की आत्मा क्या कहेंगी आप सवेरे उठा के अरे जाओ मेरे आज गलत है सही है अच्छा यही मारा गया सच्चे कर्म करो बढ़िया काम करोगे जो तुम्हारी आगे संपत्ति और वो चले जैसे महाराज जी से हम सत्संग लेने की कोशिश कर रहे हैं और महाराज जी सत्य के मार्ग पे ही चलने के लिए मार्ग बताते हैं कोई भी आए सत्य के मार्ग पे चलो और महाराज जी जैसे कि एक और पूछ रहा था जैसे कि यहाँ पर आपने बगीचे आपने हाथों से बनाई सारी जे मैं आया था तो कहीं इतने गड्ढे कहूँ इतने गड्ढे की खड़े हैं अच्छा तो एक कोकले के और थे मेरे साथ उन्हें मेरा सहयोग दिया कोलरी चलाई और जिक्सार किया अच्छा अभी आप पानी वानी आप ही देते हैं सारा हाँ अच्छा जैसे कि साथियों मराजी की यहाँ के पीने की पानी की थोड़ी एक समस्या रहती है कि ट्यूबवेल्स जाते हैं तो कोई भी भाई इस गांव की तरफ इन महाराजी के पास आए तो महराजी की सेवा अवश्य करें मैं सभी से कहूँगा जिस प्रकार भी हो सके सामर्थ्य के अनुसार जल की सेवा या कोई भोजन की सेवा अवश्य करें और मैं महाराजी की जल की सेवा की मैं भी कोशिश करूँगा महाराजी आपकी जल की सेवा करवाने की आपकी कुंड पूरा भरवाने की और बार बार आता रहूँगा कोशिश करता रहूँगा आपके जल की पूर्ति होती रहे और साथ ही कोई भी भाई और भी संतों की सेवा कर सकते हो अवश्य जरूर करें आज के सत्संग आपकी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना अगली सत्संग साथ फिर मिलते हैं तब तक जय हिंद वंदे मातम हर हर महादेव हर हर कृष्णा हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको नहीं जय गुरुदेव जय संत भगवान